हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में टाइगर श्रॉफ की और कृति सेन की गणपत फिल्म की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में टाइगर श्रॉफ, कृति सेन रीड रोल में है, अमिताभ बच्चन का कैमियो है, एली एवराम का गेस्ट अपीयरेंस है। फिल्म की लेंथ 2 घंटे 16 मिनट की है। फिल्म की कहानी के बारे में बात करें तो फिल्म की शुरुआत एक काल्पनिक दुनिया से होती है। एक तरफ अमीर लोग रहते हैं और दूसरी तरफ गरीब, उनके बीच एक दीवार है। अमीरों ने एक वक्त पर गरीबों का शोषण किया होता है। गरीबों की बस्ती से निकला गुंडा टाइगर श्रॉफ अपने लोगों का बदला लेता है। गुंडा ही गणपत है और उसका लक्ष्य क्या है, पूरी फिल्म की स्टोरी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी का प्लॉट थोड़ा बहुत हॉलीवुड फिल्म से मिलता जुलता है, लेकिन इसे जिस तरह दिखाया जाना चाहिए उस तरह दिखाया नहीं गया है। कहा जा सकता है कि हॉलीवुड फिल्म की कॉपी करने की एक और नाकामयाब कोशिश है। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ और कृति सेन जैसे बड़े स्टार का टैलेंट वेस्ट हो गया है। इन दोनों से अच्छा काम लिया जा सकता था, इसके बावजूद टाइगर और कृति ने फिल्म में थोड़ा बहुत अपने कंधे पर फिल्म की कहानी संभालने का काम किया है। फिल्म में अमिताभ बच्चन का भी छोटा सा कैमियो है। हालांकि बिग बी के कंधे कद मुताबिक उनके रोल के साथ भी न्याय नहीं हुआ है। फिल्म का डायरेक्शन विकास बहल ने किया है, यह उनका अब तक का सबसे कमज़ोर काम है। डायरेक्शन में बहुत सारी खामियां है। कहानी को हर वक्त कंफ्यूजन बनाकर रखा गया है। जिस सोच के साथ फिल्म बनाई गई है उसे पर्दे पर उतारने में डायरेक्टर पूरी तरह से नाकामयाब साबित हुए हैं। फिल्म की म्यूजिक की बात करें तो ज़्यादातर गाने कान में चुभ सकते हैं। टाइगर श्रॉफ का डांस जरूर देखने लायक है। अगर आप वीकेंड पर कोई एक्शन पैकेट फिल्म देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इसके अलावा फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसे देखने लायक बनाता है। बच्चों को ज़रूर यह फिल्म पसंद आ सकती है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में टाइगर श्रॉफ की और कृति सेन की गणपत फिल्म की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में टाइगर श्रॉफ, कृति सेन रीड रोल में है, अमिताभ बच्चन का कैमियो है, एली एवराम का गेस्ट अपीयरेंस है। फिल्म की लेंथ 2 घंटे 16 मिनट की है। फिल्म की कहानी के बारे में बात करें तो फिल्म की शुरुआत एक काल्पनिक दुनिया से होती है। एक तरफ अमीर लोग रहते हैं और दूसरी तरफ गरीब, उनके बीच एक दीवार है। अमीरों ने एक वक्त पर गरीबों का शोषण किया होता है। गरीबों की बस्ती से निकला गुंडा टाइगर श्रॉफ अपने लोगों का बदला लेता है। गुंडा ही गणपत है और उसका लक्ष्य क्या है, पूरी फिल्म की स्टोरी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी का प्लॉट थोड़ा बहुत हॉलीवुड फिल्म से मिलता जुलता है, लेकिन इसे जिस तरह दिखाया जाना चाहिए उस तरह दिखाया नहीं गया है। कहा जा सकता है कि हॉलीवुड फिल्म की कॉपी करने की एक और नाकामयाब कोशिश है। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ और कृति सेन जैसे बड़े स्टार का टैलेंट वेस्ट हो गया है। इन दोनों से अच्छा काम लिया जा सकता था, इसके बावजूद टाइगर और कृति ने फिल्म में थोड़ा बहुत अपने कंधे पर फिल्म की कहानी संभालने का काम किया है। फिल्म में अमिताभ बच्चन का भी छोटा सा कैमियो है। हालांकि बिग बी के कंधे कद मुताबिक उनके रोल के साथ भी न्याय नहीं हुआ है। फिल्म का डायरेक्शन विकास बहल ने किया है, यह उनका अब तक का सबसे कमज़ोर काम है। डायरेक्शन में बहुत सारी खामियां है। कहानी को हर वक्त कंफ्यूजन बनाकर रखा गया है। जिस सोच के साथ फिल्म बनाई गई है उसे
पर्दे पर उतारने में डायरेक्टर पूरी तरह से नाकामयाब साबित हुए हैं। फिल्म की म्यूजिक की बात करें तो ज़्यादातर गाने कान में चुभ सकते हैं। टाइगर श्रॉफ का डांस जरूर देखने लायक है। अगर आप वीकेंड पर कोई एक्शन पैकेट फिल्म देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इसके अलावा फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसे देखने लायक बनाता है। बच्चों को ज़रूर यह फिल्म पसंद आ सकती है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में टाइगर श्रॉफ की और कृति सेन की गणपत फिल्म की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में टाइगर श्रॉफ कृति सेन रीड रोल में है। अमिताभ बच्चन का कैमियो है। एली एवराम का गेस्ट अपीयरेंस है। फिल्म की लेंथ 2 घंटे 16 मिनट की है। फिल्म की कहानी के बारे में बात करें तो फिल्म की शुरुआत एक काल्पनिक दुनिया से होती है। एक तरफ अमीर लोग रहते हैं और दूसरी तरफ गरीब, उनके बीच एक दीवार है। अमीरों ने एक वक्त पर गरीबों का शोषण किया होता है। गरीबों की बस्ती से निकला गुंडा टाइगर श्रॉफ अपने लोगों का बदला लेता है। गुंडा ही गणपत है और उसका लक्ष्य क्या है, पूरी फिल्म की स्टोरी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी का प्लॉट थोड़ा बहुत हॉलीवुड फिल्म से मिलता जुलता है, लेकिन इसे जिस तरह दिखाया जाना चाहिए उस तरह दिखाया नहीं गया है। कहा जा सकता है कि हॉलीवुड फिल्म की कॉपी करने की एक और नाकामयाब कोशिश है। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ और कृति सेन जैसे बड़े स्टार का टैलेंट वेस्ट हो गया है। इन दोनों से अच्छा काम लिया जा सकता था, इसके बावजूद टाइगर और कृति ने फिल्म में थोड़ा बहुत अपने कंधे पर फिल्म की कहानी संभालने का काम किया है। फिल्म में अमिताभ बच्चन का भी छोटा सा कैमियो है। हालांकि बिग बी के कंधे कद मुताबिक उनके रोल के साथ भी न्याय नहीं हुआ है। फिल्म का डायरेक्शन विकास बहल ने किया है, यह उनका अब तक का सबसे कमज़ोर काम है। डायरेक्शन में बहुत सारी खामियां है। कहानी को हर वक्त कंफ्यूजन बनाकर रखा गया है। जिस सोच के साथ फिल्म बनाई गई है उसे पर्दे पर उतारने में डायरेक्टर पूरी तरह से नाकामयाब साबित हुए हैं। फिल्म की म्यूजिक की बात करें तो ज़्यादातर गाने कान में चुभ सकते हैं। टाइगर श्रॉफ का डांस जरूर देखने लायक है। अगर आप वीकेंड पर कोई एक्शन पैकेट फिल्म देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इसके अलावा फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसे देखने लायक बनाता है। बच्चों को ज़रूर यह फिल्म पसंद आ सकती है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में टाइगर श्रॉफ की और कृति सेन की गणपत फिल्म की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में टाइगर श्रॉफ कृति सेन रीड रोल में है। अमिताभ बच्चन का कैमियो है। एली एवराम का गेस्ट अपीयरेंस है। फिल्म की लेंथ 2 घंटे 16 मिनट की है। फिल्म की कहानी के बारे में बात करें तो फिल्म की शुरुआत एक काल्पनिक दुनिया से होती है। एक तरफ अमीर लोग रहते हैं और दूसरी तरफ गरीब, उनके बीच एक दीवार है। अमीरों ने एक वक्त पर गरीबों का शोषण किया होता है। गरीबों की बस्ती से निकला गुंडा टाइगर श्रॉफ अपने लोगों का बदला लेता है। गुंडा ही गणपत है और उसका लक्ष्य क्या है, पूरी फिल्म की स्टोरी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी का प्लॉट थोड़ा बहुत हॉलीवुड फिल्म से मिलता जुलता है, लेकिन इसे जिस तरह दिखाया जाना चाहिए उस तरह दिखाया नहीं गया है। कहा जा सकता है कि हॉलीवुड फिल्म की कॉपी करने की एक और नाकामयाब कोशिश है। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ और कृति सेन जैसे बड़े स्टार का टैलेंट वेस्ट हो गया है। इन दोनों से अच्छा काम लिया जा सकता था, इसके बावजूद टाइगर और कृति ने फिल्म में थोड़ा बहुत अपने कंधे पर फिल्म की कहानी संभालने का काम किया है। फिल्म में अमिताभ बच्चन का भी
छोटा सा कैमियो है। हालांकि बिग बी के कंधे कद मुताबिक उनके रोल के साथ भी न्याय नहीं हुआ है। फिल्म का डायरेक्शन विकास बहल ने किया है, यह उनका अब तक का सबसे कमज़ोर काम है। डायरेक्शन में बहुत सारी खामियां है। कहानी को हर वक्त कंफ्यूजन बनाकर रखा गया है। जिस सोच के साथ फिल्म बनाई गई है उसे पर्दे पर उतारने में डायरेक्टर पूरी तरह से नाकामयाब साबित हुए हैं। फिल्म की म्यूजिक की बात करें तो ज़्यादातर गाने कान में चुभ सकते हैं। टाइगर श्रॉफ का डांस जरूर देखने लायक है। अगर आप वीकेंड पर कोई एक्शन पैकेट फिल्म देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इसके अलावा फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसे देखने लायक बनाता है। बच्चों को ज़रूर यह फिल्म पसंद आ सकती है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में टाइगर श्रॉफ की और कृति सेन की गणपत फिल्म की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में टाइगर श्रॉफ, कृति सेन रीड रोल में है। अमिताभ बच्चन का कैमियो है। एली एवराम का गेस्ट अपीयरेंस है। फिल्म की लेंथ 2 घंटे 16 मिनट की है। फिल्म की कहानी के बारे में बात करें तो फिल्म की शुरुआत एक काल्पनिक दुनिया से होती है। एक तरफ अमीर लोग रहते हैं और दूसरी तरफ गरीब, उनके बीच एक दीवार है। अमीरों ने एक वक्त पर गरीबों का शोषण किया होता है। गरीबों की बस्ती से निकला गुंडा टाइगर श्रॉफ अपने लोगों का बदला लेता है। गुंडा ही गणपत है और उसका लक्ष्य क्या है, पूरी फिल्म की स्टोरी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी का प्लॉट थोड़ा बहुत हॉलीवुड फिल्म से मिलता जुलता है, लेकिन इसे जिस तरह दिखाया जाना चाहिए उस तरह दिखाया नहीं गया है। कहा जा सकता है कि हॉलीवुड फिल्म की कॉपी करने की एक और नाकामयाब कोशिश है। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ और कृति सेन जैसे बड़े स्टार का टैलेंट वेस्ट हो गया है। इन दोनों से अच्छा काम लिया जा सकता था, इसके बावजूद टाइगर और कृति ने फिल्म में थोड़ा बहुत अपने कंधे पर फिल्म की कहानी संभालने का काम किया है। फिल्म में अमिताभ बच्चन का भी छोटा सा कैमियो है। हालांकि बिग बी के कंधे कद मुताबिक उनके रोल के साथ भी न्याय नहीं हुआ है। फिल्म का डायरेक्शन विकास बहल ने किया है, यह उनका अब तक का सबसे कमज़ोर काम है। डायरेक्शन में बहुत सारी खामियां है। कहानी को हर वक्त कंफ्यूजन बनाकर रखा गया है। जिस सोच के साथ फिल्म बनाई गई है उसे पर्दे पर उतारने में डायरेक्टर पूरी तरह से नाकामयाब साबित हुए हैं। फिल्म की म्यूजिक की बात करें तो ज़्यादातर गाने कान में चुभ सकते हैं। टाइगर श्रॉफ का डांस जरूर देखने लायक है। अगर आप वीकेंड पर कोई एक्शन पैकेट फिल्म देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इसके अलावा फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसे देखने लायक बनाता है। बच्चों को ज़रूर यह फिल्म पसंद आ सकती है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में टाइगर श्रॉफ की और कृति सेन की गणपत फिल्म की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में टाइगर श्रॉफ, कृति सेन रीड रोल में है। अमिताभ बच्चन का कैमियो है। एली एवराम का गेस्ट अपीयरेंस है। फिल्म की लेंथ 2 घंटे 16 मिनट की है। फिल्म की कहानी के बारे में बात करें तो फिल्म की शुरुआत एक काल्पनिक दुनिया से होती है। एक तरफ अमीर लोग रहते हैं और दूसरी तरफ गरीब, उनके बीच एक दीवार है। अमीरों ने एक वक्त पर गरीबों का शोषण किया होता है। गरीबों की बस्ती से निकला गुंडा टाइगर श्रॉफ अपने लोगों का बदला लेता है। गुंडा ही गणपत है और उसका लक्ष्य क्या है, पूरी फिल्म की स्टोरी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी का प्लॉट थोड़ा बहुत हॉलीवुड फिल्म से मिलता जुलता है, लेकिन इसे जिस तरह दिखाया जाना चाहिए उस तरह दिखाया नहीं गया है। कहा जा सकता है कि हॉलीवुड फिल्म की
कॉपी करने की एक और नाकामयाब कोशिश है। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ और कृति सेन जैसे बड़े स्टार का टैलेंट वेस्ट हो गया है। इन दोनों से अच्छा काम लिया जा सकता था, इसके बावजूद टाइगर और कृति ने फिल्म में थोड़ा बहुत अपने कंधे पर फिल्म की कहानी संभालने का काम किया है। फिल्म में अमिताभ बच्चन का भी छोटा सा कैमियो है, हालांकि बिग बी के कंधे कद मुताबिक उनके रोल के साथ भी न्याय नहीं हुआ है। फिल्म का डायरेक्शन विकास बहल ने किया है, यह उनका अब तक का सबसे कमज़ोर काम है। डायरेक्शन में बहुत सारी खामियां है, कहानी को हर वक्त कंफ्यूजन बनाकर रखा गया है। जिस सोच के साथ फिल्म बनाई गई है उसे पर्दे पर उतारने में डायरेक्टर पूरी तरह से नाकामयाब साबित हुए हैं। फिल्म की म्यूजिक की बात करें तो ज़्यादातर गाने कान में चुभ सकते हैं। टाइगर श्रॉफ का डांस जरूर देखने लायक है। अगर आप वीकेंड पर कोई एक्शन पैकेट फिल्म देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इसके अलावा फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसे देखने लायक बनाता है। बच्चों को ज़रूर यह फिल्म पसंद आ सकती है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में टाइगर श्रॉफ की और कृति सेन की गणपत फिल्म की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में टाइगर श्रॉफ कृति सेन रीड रोल में है, अमिताभ बच्चन का कैमियो है, एली एवराम का गेस्ट अपीयरेंस है। फिल्म की लेंथ 2 घंटे 16 मिनट की है। फिल्म की कहानी के बारे में बात करें तो फिल्म की शुरुआत एक काल्पनिक दुनिया से होती है। एक तरफ अमीर लोग रहते हैं और दूसरी तरफ गरीब, उनके बीच एक दीवार है। अमीरों ने एक वक्त पर गरीबों का शोषण किया होता है। गरीबों की बस्ती से निकला गुंडा टाइगर श्रॉफ अपने लोगों का बदला लेता है। गुंडा ही गणपत है और उसका लक्ष्य क्या है, पूरी फिल्म की स्टोरी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी का प्लॉट थोड़ा बहुत हॉलीवुड फिल्म से मिलता जुलता है, लेकिन इसे जिस तरह दिखाया जाना चाहिए उस तरह दिखाया नहीं गया है। कहा जा सकता है कि हॉलीवुड फिल्म की कॉपी करने की एक और नाकामयाब कोशिश है। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ और कृति सेन जैसे बड़े स्टार का टैलेंट वेस्ट हो गया है। इन दोनों से अच्छा काम लिया जा सकता था, इसके बावजूद टाइगर और कृति ने फिल्म में थोड़ा बहुत अपने कंधे पर फिल्म की कहानी संभालने का काम किया है। फिल्म में अमिताभ बच्चन का भी छोटा सा कैमियो है, हालांकि बिग बी के कंधे कद मुताबिक उनके रोल के साथ भी न्याय नहीं हुआ है। फिल्म का डायरेक्शन विकास बहल ने किया है, यह उनका अब तक का सबसे कमज़ोर काम है। डायरेक्शन में बहुत सारी खामियां है, कहानी को हर वक्त कंफ्यूजन बनाकर रखा गया है। जिस सोच के साथ फिल्म बनाई गई है उसे पर्दे पर उतारने में डायरेक्टर पूरी तरह से नाकामयाब साबित हुए हैं। फिल्म की म्यूजिक की बात करें तो ज़्यादातर गाने कान में चुभ सकते हैं। टाइगर श्रॉफ का डांस जरूर देखने लायक है। अगर आप वीकेंड पर कोई एक्शन पैकेट फिल्म देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इसके अलावा फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसे देखने लायक बनाता है। बच्चों को ज़रूर यह फिल्म पसंद आ सकती है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में टाइगर श्रॉफ की और कृति सेन की गणपत फिल्म की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में टाइगर श्रॉफ कृति सेन रीड रोल में है, अमिताभ बच्चन का कैमियो है, एली एवराम का गेस्ट अपीयरेंस है। फिल्म की लेंथ 2 घंटे 16 मिनट की है। फिल्म की कहानी के बारे में बात करें तो फिल्म की शुरुआत एक काल्पनिक दुनिया से होती है। एक तरफ अमीर लोग रहते हैं और दूसरी तरफ गरीब, उनके बीच एक दीवार है। अमीरों ने एक वक्त पर गरीबों का शोषण किया होता है। गरीबों की बस्ती से निकला गुंडा
टाइगर श्रॉफ अपने लोगों का बदला लेता है। गुंडा ही गणपत है और उसका लक्ष्य क्या है, पूरी फिल्म की स्टोरी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी का प्लांट थोड़ा बहुत हॉलीवुड फिल्म से मिलता जुलता है, लेकिन इसे जिस तरह दिखाया जाना चाहिए उस तरह दिखाया नहीं गया है। कहा जा सकता है कि हॉलीवुड फिल्म की कॉपी करने की एक और नाकामयाब कोशिश है। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ और कृति सेन जैसे बड़े स्टार का टैलेंट वेस्ट हो गया है। इन दोनों से अच्छा काम लिया जा सकता था, इसके बावजूद टाइगर और कृति ने फिल्म में थोड़ा बहुत अपने कंधे पर फिल्म की कहानी संभालने का काम किया है। फिल्म में अमिताभ बच्चन का भी छोटा सा कैमियो है, हालांकि बिग बी के कंधे कद मुताबिक उनके रोल के साथ भी न्याय नहीं हुआ है। फिल्म का डायरेक्शन विकास बहल ने किया है, यह उनका अब तक का सबसे कमज़ोर काम है। डायरेक्शन में बहुत सारी खामियां है, कहानी को हर वक्त कंफ्यूजन बनाकर रखा गया है। जिस सोच के साथ फिल्म बनाई गई है उसे पर्दे पर उतारने में डायरेक्टर पूरी तरह से नाकामयाब साबित हुए हैं। फिल्म की म्यूजिक की बात करें तो ज़्यादातर गाने कान में चुभ सकते हैं। टाइगर श्रॉफ का डांस जरूर देखने लायक है। अगर आप वीकेंड पर कोई एक्शन पैकेट फिल्म देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इसके अलावा फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसे देखने लायक बनाता है। बच्चों को जरूर यह फिल्म पसंद आ सकती है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में टाइगर श्रॉफ की और कृति सेन की गणपत फिल्म की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में टाइगर श्रॉफ, कृति सेन रीड रोल में है, अमिताभ बच्चन का कैमियो है, एली एवराम का गेस्ट अपीयरेंस है। फिल्म की लेंथ 2 घंटे 16 मिनट की है। फिल्म की कहानी के बारे में बात करें तो फिल्म की शुरुआत एक काल्पनिक दुनिया से होती है। एक तरफ अमीर लोग रहते हैं और दूसरी तरफ गरीब, उनके बीच एक दीवार है। अमीरों ने एक वक्त पर गरीबों का शोषण किया होता है। गरीबों की बस्ती से निकला गुंडा टाइगर श्रॉफ अपने लोगों का बदला लेता है। गुंडा ही गणपत है और उसका लक्ष्य क्या है, पूरी फिल्म की स्टोरी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी का प्लांट थोड़ा बहुत हॉलीवुड फिल्म से मिलता जुलता है, लेकिन इसे जिस तरह दिखाया जाना चाहिए उस तरह दिखाया नहीं गया है। कहा जा सकता है कि हॉलीवुड फिल्म की कॉपी करने की एक और नाकामयाब कोशिश है। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ और कृति सेन जैसे बड़े स्टार का टैलेंट वेस्ट हो गया है। इन दोनों से अच्छा काम लिया जा सकता था, इसके बावजूद टाइगर और कृति ने फिल्म में थोड़ा बहुत अपने कंधे पर फिल्म की कहानी संभालने का काम किया है। फिल्म में अमिताभ बच्चन का भी छोटा सा कैमियो है, हालांकि बिग बी के कंधे कद मुताबिक उनके रोल के साथ भी न्याय नहीं हुआ है। फिल्म का डायरेक्शन विकास बहल ने किया है, यह उनका अब तक का सबसे कमज़ोर काम है। डायरेक्शन में बहुत सारी खामियां है, कहानी को हर वक्त कंफ्यूजन बनाकर रखा गया है। जिस सोच के साथ फिल्म बनाई गई है उसे पर्दे पर उतारने में डायरेक्टर पूरी तरह से नाकामयाब साबित हुए हैं। फिल्म की म्यूजिक की बात करें तो ज़्यादातर गाने कान में चुभ सकते हैं। टाइगर श्रॉफ का डांस जरूर देखने लायक है। अगर आप वीकेंड पर कोई एक्शन पैकेट फिल्म देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इसके अलावा फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसे देखने लायक बनाता है। बच्चों को जरूर यह फिल्म पसंद आ सकती है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में टाइगर श्रॉफ की और कृति सेन की गणपत फिल्म की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में टाइगर श्रॉफ, कृति सेन रीड रोल में है, अमिताभ बच्चन का कैमियो है, एली
एवराम का गेस अपीयरेंस है। फिल्म की लेंथ 2 घंटे 16 मिनट की है। फिल्म की कहानी के बारे में बात करें तो फिल्म की शुरुआत एक काल्पनिक दुनिया से होती है। एक तरफ अमीर लोग रहते हैं और दूसरी तरफ गरीब, उनके बीच एक दीवार है। अमीरों ने एक वक्त पर गरीबों का शोषण किया होता है। गरीबों की बस्ती से निकला गुंडा टाइगर श्रॉफ अपने लोगों का बदला लेता है। गुंडा ही गणपत है और उसका लक्ष्य क्या है, पूरी फिल्म की स्टोरी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी का प्लॉट थोड़ा बहुत हॉलीवुड फिल्म से मिलता जुलता है, लेकिन इसे जिस तरह दिखाया जाना चाहिए उस तरह दिखाया नहीं गया है। कहा जा सकता है कि हॉलीवुड फिल्म की कॉपी करने की एक और नाकामयाब कोशिश है। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ और कृति सेन जैसे बड़े स्टार का टैलेंट वेस्ट हो गया है। इन दोनों से अच्छा काम लिया जा सकता था, इसके बावजूद टाइगर और कृति ने फिल्म में थोड़ा बहुत अपने कंधे पर फिल्म की कहानी संभालने का काम किया है। फिल्म में अमिताभ बच्चन का भी छोटा सा कैमियो है। हालांकि बिग बी के कंधे कद मुताबिक उनके रोल के साथ भी न्याय नहीं हुआ है। फिल्म का डायरेक्शन विकास बहल ने किया है, यह उनका अब तक का सबसे कमज़ोर काम है। डायरेक्शन में बहुत सारी खामियां है। कहानी को हर वक्त कंफ्यूजन बनाकर रखा गया है। जिस सोच के साथ फिल्म बनाई गई है उसे पर्दे पर उतारने में डायरेक्टर पूरी तरह से नाकामयाब साबित हुए हैं। फिल्म की म्यूजिक की बात करें तो ज़्यादातर गाने कान में चुभ सकते हैं। टाइगर श्रॉफ का डांस जरूर देखने लायक है। अगर आप वीकेंड पर कोई एक्शन पैकेट फिल्म देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इसके अलावा फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसे देखने लायक बनाता है। बच्चों को ज़रूर यह फिल्म पसंद आ सकती है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में टाइगर श्रॉफ की और कृति सेन की गणपत फिल्म की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में टाइगर श्रॉफ, कृति सेन रीड रोल में है। अमिताभ बच्चन का कैमियो है। एली एवराम का गेस्ट अपीयरेंस है। फिल्म की लेंथ 2 घंटे 16 मिनट की है। फिल्म की कहानी के बारे में बात करें तो फिल्म की शुरुआत एक काल्पनिक दुनिया से होती है। एक तरफ अमीर लोग रहते हैं और दूसरी तरफ गरीब, उनके बीच एक दीवार है। अमीरों ने एक वक्त पर गरीबों का शोषण किया होता है। गरीबों की बस्ती से निकला गुंडा टाइगर श्रॉफ अपने लोगों का बदला लेता है। गुंडा ही गणपत है और उसका लक्ष्य क्या है, पूरी फिल्म की स्टोरी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी का प्लॉट थोड़ा बहुत हॉलीवुड फिल्म से मिलता जुलता है, लेकिन इसे जिस तरह दिखाया जाना चाहिए उस तरह दिखाया नहीं गया है। कहा जा सकता है कि हॉलीवुड फिल्म की कॉपी करने की एक और नाकामयाब कोशिश है। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ और कृति सेन जैसे बड़े स्टार का टैलेंट वेस्ट हो गया है। इन दोनों से अच्छा काम लिया जा सकता था, इसके बावजूद टाइगर और कृति ने फिल्म में थोड़ा बहुत अपने कंधे पर फिल्म की कहानी संभालने का काम किया है। फिल्म में अमिताभ बच्चन का भी छोटा सा कैमियो है। हालांकि बिग बी के कंधे कद मुताबिक उनके रोल के साथ भी न्याय नहीं हुआ है। फिल्म का डायरेक्शन विकास बहल ने किया है, यह उनका अब तक का सबसे कमज़ोर काम है। डायरेक्शन में बहुत सारी खामियां है। कहानी को हर वक्त कंफ्यूजन बनाकर रखा गया है। जिस सोच के साथ फिल्म बनाई गई है उसे पर्दे पर उतारने में डायरेक्टर पूरी तरह से नाकामयाब साबित हुए हैं। फिल्म की म्यूजिक की बात करें तो ज़्यादातर गाने कान में चुभ सकते हैं। टाइगर श्रॉफ का डांस जरूर देखने लायक है। अगर आप वीकेंड पर कोई एक्शन पैकेट फिल्म देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इसके अलावा फिल्म में
ऐसा कुछ नहीं है जो इसे देखने लायक बनाता है। बच्चों को ज़रूर यह फिल्म पसंद आ सकती है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में टाइगर श्रॉफ की और कृति सेन की गणपत फिल्म की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में टाइगर श्रॉफ, कृति सेन रीड रोल में है, अमिताभ बच्चन का कैमियो है, एली एवराम का गेस्ट अपीयरेंस है। फिल्म की लेंथ 2 घंटे 16 मिनट की है। फिल्म की कहानी के बारे में बात करें तो फिल्म की शुरुआत एक काल्पनिक दुनिया से होती है। एक तरफ अमीर लोग रहते हैं और दूसरी तरफ गरीब, उनके बीच एक दीवार है। अमीरों ने एक वक्त पर गरीबों का शोषण किया होता है। गरीबों की बस्ती से निकला गुंडा टाइगर श्रॉफ अपने लोगों का बदला लेता है। गुंडा ही गणपत है और उसका लक्ष्य क्या है, पूरी फिल्म की स्टोरी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी का प्लॉट थोड़ा बहुत हॉलीवुड फिल्म से मिलता जुलता है, लेकिन इसे जिस तरह दिखाया जाना चाहिए उस तरह दिखाया नहीं गया है। कहा जा सकता है कि हॉलीवुड फिल्म की कॉपी करने की एक और नाकामयाब कोशिश है। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ और कृति सेन जैसे बड़े स्टार का टैलेंट वेस्ट हो गया है। इन दोनों से अच्छा काम लिया जा सकता था, इसके बावजूद टाइगर और कृति ने फिल्म में थोड़ा बहुत अपने कंधे पर फिल्म की कहानी संभालने का काम किया है। फिल्म में अमिताभ बच्चन का भी छोटा सा कैमियो है। हालांकि बिग बी के कंधे कद मुताबिक उनके रोल के साथ भी न्याय नहीं हुआ है। फिल्म का डायरेक्शन विकास बहल ने किया है, यह उनका अब तक का सबसे कमज़ोर काम है। डायरेक्शन में बहुत सारी खामियां है। कहानी को हर वक्त कंफ्यूजन बनाकर रखा गया है। जिस सोच के साथ फिल्म बनाई गई है उसे पर्दे पर उतारने में डायरेक्टर पूरी तरह से नाकामयाब साबित हुए हैं। फिल्म की म्यूजिक की बात करें तो ज़्यादातर गाने कान में चुभ सकते हैं। टाइगर श्रॉफ का डांस जरूर देखने लायक है। अगर आप वीकेंड पर कोई एक्शन पैकेट फिल्म देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इसके अलावा फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसे देखने लायक बनाता है। बच्चों को ज़रूर यह फिल्म पसंद आ सकती है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में टाइगर श्रॉफ की और कृति सेन की गणपत फिल्म की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में टाइगर श्रॉफ, कृति सेन रीड रोल में है, अमिताभ बच्चन का कैमियो है, एली एवराम का गेस्ट अपीयरेंस है। फिल्म की लेंथ 2 घंटे 16 मिनट की है। फिल्म की कहानी के बारे में बात करें तो फिल्म की शुरुआत एक काल्पनिक दुनिया से होती है। एक तरफ अमीर लोग रहते हैं और दूसरी तरफ गरीब, उनके बीच एक दीवार है। अमीरों ने एक वक्त पर गरीबों का शोषण किया होता है। गरीबों की बस्ती से निकला गुंडा टाइगर श्रॉफ अपने लोगों का बदला लेता है। गुंडा ही गणपत है और उसका लक्ष्य क्या है, पूरी फिल्म की स्टोरी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी का प्लॉट थोड़ा बहुत हॉलीवुड फिल्म से मिलता जुलता है, लेकिन इसे जिस तरह दिखाया जाना चाहिए उस तरह दिखाया नहीं गया है। कहा जा सकता है कि हॉलीवुड फिल्म की कॉपी करने की एक और नाकामयाब कोशिश है। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ और कृति सेन जैसे बड़े स्टार का टैलेंट वेस्ट हो गया है। इन दोनों से अच्छा काम लिया जा सकता था, इसके बावजूद टाइगर और कृति ने फिल्म में थोड़ा बहुत अपने कंधे पर फिल्म की कहानी संभालने का काम किया है। फिल्म में अमिताभ बच्चन का भी छोटा सा कैमियो है। हालांकि बिग बी के कंधे कद मुताबिक उनके रोल के साथ भी न्याय नहीं हुआ है। फिल्म का डायरेक्शन विकास बहल ने किया है, यह उनका अब तक का सबसे कमज़ोर काम है। डायरेक्शन में बहुत सारी खामियां है। कहानी को हर वक्त कंफ्यूजन बनाकर रखा गया है।
जिस सोच के साथ फिल्म बनाई गई है उसे पर्दे पर उतारने में डायरेक्टर पूरी तरह से नाकामयाब साबित हुए हैं। फिल्म की म्यूजिक की बात करें तो ज़्यादातर गाने कान में चुभ सकते हैं। टाइगर श्रॉफ का डांस जरूर देखने लायक है। अगर आप वीकेंड पर कोई एक्शन पैकेट फिल्म देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इसके अलावा फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसे देखने लायक बनाता है। बच्चों को ज़रूर यह फिल्म पसंद आ सकती है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में टाइगर श्रॉफ की और कृति सेन की गणपत फिल्म की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में टाइगर श्रॉफ, कृति सेन रीड रोल में है, अमिताभ बच्चन का कैमियो है, एली एवराम का गेस्ट अपीयरेंस है। फिल्म की लेंथ 2 घंटे 16 मिनट की है। फिल्म की कहानी के बारे में बात करें तो फिल्म की शुरुआत एक काल्पनिक दुनिया से होती है। एक तरफ अमीर लोग रहते हैं और दूसरी तरफ गरीब, उनके बीच एक दीवार है। अमीरों ने एक वक्त पर गरीबों का शोषण किया होता है। गरीबों की बस्ती से निकला गुंडा टाइगर श्रॉफ अपने लोगों का बदला लेता है। गुंडा ही गणपत है और उसका लक्ष्य क्या है, पूरी फिल्म की स्टोरी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी का प्लॉट थोड़ा बहुत हॉलीवुड फिल्म से मिलता जुलता है, लेकिन इसे जिस तरह दिखाया जाना चाहिए उस तरह दिखाया नहीं गया है। कहा जा सकता है कि हॉलीवुड फिल्म की कॉपी करने की एक और नाकामयाब कोशिश है। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ और कृति सेन जैसे बड़े स्टार का टैलेंट वेस्ट हो गया है। इन दोनों से अच्छा काम लिया जा सकता था, इसके बावजूद टाइगर और कृति ने फिल्म में थोड़ा बहुत अपने कंधे पर फिल्म की कहानी संभालने का काम किया है। फिल्म में अमिताभ बच्चन का भी छोटा सा कैमियो है। हालांकि बिग बी के कंधे कद मुताबिक उनके रोल के साथ भी न्याय नहीं हुआ है। फिल्म का डायरेक्शन विकास बहल ने किया है, यह उनका अब तक का सबसे कमज़ोर काम है। डायरेक्शन में बहुत सारी खामियां है। कहानी को हर वक्त कंफ्यूजन बनाकर रखा गया है। जिस सोच के साथ फिल्म बनाई गई है उसे पर्दे पर उतारने में डायरेक्टर पूरी तरह से नाकामयाब साबित हुए हैं। फिल्म की म्यूजिक की बात करें तो ज़्यादातर गाने कान में चुभ सकते हैं। टाइगर श्रॉफ का डांस जरूर देखने लायक है। अगर आप वीकेंड पर कोई एक्शन पैकेट फिल्म देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इसके अलावा फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसे देखने लायक बनाता है। बच्चों को ज़रूर यह फिल्म पसंद आ सकती है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में टाइगर श्रॉफ की और कृति सेन की गणपत फिल्म की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में टाइगर श्रॉफ, कृति सेन रीड रोल में है, अमिताभ बच्चन का कैमियो है, एली एवराम का गेस्ट अपीयरेंस है। फिल्म की लेंथ 2 घंटे 16 मिनट की है। फिल्म की कहानी के बारे में बात करें तो फिल्म की शुरुआत एक काल्पनिक दुनिया से होती है। एक तरफ अमीर लोग रहते हैं और दूसरी तरफ गरीब, उनके बीच एक दीवार है। अमीरों ने एक वक्त पर गरीबों का शोषण किया होता है। गरीबों की बस्ती से निकला गुंडा टाइगर श्रॉफ अपने लोगों का बदला लेता है। गुंडा ही गणपत है और उसका लक्ष्य क्या है, पूरी फिल्म की स्टोरी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी का प्लॉट थोड़ा बहुत हॉलीवुड फिल्म से मिलता जुलता है, लेकिन इसे जिस तरह दिखाया जाना चाहिए उस तरह दिखाया नहीं गया है। कहा जा सकता है कि हॉलीवुड फिल्म की कॉपी करने की एक और नाकामयाब कोशिश है। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ और कृति सेन जैसे बड़े स्टार का टैलेंट वेस्ट हो गया है। इन दोनों से अच्छा काम लिया जा सकता था, इसके बावजूद टाइगर और कृति ने फिल्म में थोड़ा बहुत अपने कंधे पर फिल्म की कहानी संभालने का काम किया है।
फिल्म में अमिताभ बच्चन का भी छोटा सा कैमियो है। हालांकि बिग बी के कंधे कद मुताबिक उनके रोल के साथ भी न्याय नहीं हुआ है। फिल्म का डायरेक्शन विकास बहल ने किया है, यह उनका अब तक का सबसे कमज़ोर काम है। डायरेक्शन में बहुत सारी खामियां है। कहानी को हर वक्त कंफ्यूजन बनाकर रखा गया है। जिस सोच के साथ फिल्म बनाई गई है उसे पर्दे पर उतारने में डायरेक्टर पूरी तरह से नाकामयाब साबित हुए हैं। फिल्म की म्यूजिक की बात करें तो ज़्यादातर गाने कान में चुभ सकते हैं। टाइगर श्रॉफ का डांस जरूर देखने लायक है। अगर आप वीकेंड पर कोई एक्शन पैकेट फिल्म देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इसके अलावा फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसे देखने लायक बनाता है। बच्चों को ज़रूर यह फिल्म पसंद आ सकती है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में टाइगर श्रॉफ की और कृति सेन की गणपत फिल्म की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में टाइगर श्रॉफ, कृति सेन रीड रोल में है। अमिताभ बच्चन का कैमियो है। एली एवराम का गेस्ट अपीयरेंस है। फिल्म की लेंथ 2 घंटे 16 मिनट की है। फिल्म की कहानी के बारे में बात करें तो फिल्म की शुरुआत एक काल्पनिक दुनिया से होती है। एक तरफ अमीर लोग रहते हैं और दूसरी तरफ गरीब, उनके बीच एक दीवार है। अमीरों ने एक वक्त पर गरीबों का शोषण किया होता है। गरीबों की बस्ती से निकला गुंडा टाइगर श्रॉफ अपने लोगों का बदला लेता है। गुंडा ही गणपत है और उसका लक्ष्य क्या है, पूरी फिल्म की स्टोरी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी का प्लॉट थोड़ा बहुत हॉलीवुड फिल्म से मिलता जुलता है, लेकिन इसे जिस तरह दिखाया जाना चाहिए उस तरह दिखाया नहीं गया है। कहा जा सकता है कि हॉलीवुड फिल्म की कॉपी करने की एक और नाकामयाब कोशिश है। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ और कृति सेन जैसे बड़े स्टार का टैलेंट वेस्ट हो गया है। इन दोनों से अच्छा काम लिया जा सकता था। इसके बावजूद टाइगर और कृति ने फिल्म में थोड़ा बहुत अपने कंधे पर फिल्म की कहानी संभालने का काम किया है। फिल्म में अमिताभ बच्चन का भी छोटा सा कैमियो है। हालांकि बिग बी के कंधे कद मुताबिक उनके रोल के साथ भी न्याय नहीं हुआ है। फिल्म का डायरेक्शन विकास बहल ने किया है, यह उनका अब तक का सबसे कमज़ोर काम है। डायरेक्शन में बहुत सारी खामियां है। कहानी को हर वक्त कंफ्यूजन बनाकर रखा गया है। जिस सोच के साथ फिल्म बनाई गई है उसे पर्दे पर उतारने में डायरेक्टर पूरी तरह से नाकामयाब साबित हुए हैं। फिल्म की म्यूजिक की बात करें तो ज़्यादातर गाने कान में चुभ सकते हैं। टाइगर श्रॉफ का डांस जरूर देखने लायक है। अगर आप वीकेंड पर कोई एक्शन पैकेट फिल्म देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इसके अलावा फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसे देखने लायक बनाता है। बच्चों को ज़रूर यह फिल्म पसंद आ सकती है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में टाइगर श्रॉफ की और कृति सेन की गणपत फिल्म की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में टाइगर श्रॉफ, कृति सेन रीड रोल में है। अमिताभ बच्चन का कैमियो है। एली एवराम का गेस्ट अपीयरेंस है। फिल्म की लेंथ 2 घंटे 16 मिनट की है। फिल्म की कहानी के बारे में बात करें तो फिल्म की शुरुआत एक काल्पनिक दुनिया से होती है। एक तरफ अमीर लोग रहते हैं और दूसरी तरफ गरीब, उनके बीच एक दीवार है। अमीरों ने एक वक्त पर गरीबों का शोषण किया होता है। गरीबों की बस्ती से निकला गुंडा टाइगर श्रॉफ अपने लोगों का बदला लेता है। गुंडा ही गणपत है और उसका लक्ष्य क्या है, पूरी फिल्म की स्टोरी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी का प्लॉट थोड़ा बहुत हॉलीवुड फिल्म से मिलता जुलता है, लेकिन इसे जिस तरह दिखाया जाना चाहिए उस तरह दिखाया नहीं गया है।
कहा जा सकता है कि हॉलीवुड फिल्म की कॉपी करने की एक और नाकामयाब कोशिश है। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ और कृति सेन जैसे बड़े स्टार का टैलेंट वेस्ट हो गया है। इन दोनों से अच्छा काम लिया जा सकता था, इसके बावजूद टाइगर और कृति ने फिल्म में थोड़ा बहुत अपने कंधे पर फिल्म की कहानी संभालने का काम किया है। फिल्म में अमिताभ बच्चन का भी छोटा सा कैमियो है, हालांकि बिग बी के कंधे कद मुताबिक उनके रोल के साथ भी न्याय नहीं हुआ है। फिल्म का डायरेक्शन विकास बहल ने किया है, यह उनका अब तक का सबसे कमज़ोर काम है। डायरेक्शन में बहुत सारी खामियां है, कहानी को हर वक्त कंफ्यूजन बनाकर रखा गया है। जिस सोच के साथ फिल्म बनाई गई है उसे पर्दे पर उतारने में डायरेक्टर पूरी तरह से नाकामयाब साबित हुए हैं। फिल्म की म्यूजिक की बात करें तो ज़्यादातर गाने कान में चुभ सकते हैं। टाइगर श्रॉफ का डांस जरूर देखने लायक है। अगर आप वीकेंड पर कोई एक्शन पैकेट फिल्म देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इसके अलावा फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसे देखने लायक बनाता है। बच्चों को ज़रूर यह फिल्म पसंद आ सकती है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में टाइगर श्रॉफ की और कृति सेन की गणपत फिल्म की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में टाइगर श्रॉफ कृति सेन रीड रोल में है, अमिताभ बच्चन का कैमियो है, एली एवराम का गेस्ट अपीयरेंस है। फिल्म की लेंथ 2 घंटे 16 मिनट की है। फिल्म की कहानी के बारे में बात करें तो फिल्म की शुरुआत एक काल्पनिक दुनिया से होती है। एक तरफ अमीर लोग रहते हैं और दूसरी तरफ गरीब, उनके बीच एक दीवार है। अमीरों ने एक वक्त पर गरीबों का शोषण किया होता है। गरीबों की बस्ती से निकला गुंडा टाइगर श्रॉफ अपने लोगों का बदला लेता है। गुंडा ही गणपत है और उसका लक्ष्य क्या है, पूरी फिल्म की स्टोरी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी का प्लॉट थोड़ा बहुत हॉलीवुड फिल्म से मिलता जुलता है, लेकिन इसे जिस तरह दिखाया जाना चाहिए उस तरह दिखाया नहीं गया है। कहा जा सकता है कि हॉलीवुड फिल्म की कॉपी करने की एक और नाकामयाब कोशिश है। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ और कृति सेन जैसे बड़े स्टार का टैलेंट वेस्ट हो गया है। इन दोनों से अच्छा काम लिया जा सकता था, इसके बावजूद टाइगर और कृति ने फिल्म में थोड़ा बहुत अपने कंधे पर फिल्म की कहानी संभालने का काम किया है। फिल्म में अमिताभ बच्चन का भी छोटा सा कैमियो है, हालांकि बिग बी के कंधे कद मुताबिक उनके रोल के साथ भी न्याय नहीं हुआ है। फिल्म का डायरेक्शन विकास बहल ने किया है, यह उनका अब तक का सबसे कमज़ोर काम है। डायरेक्शन में बहुत सारी खामियां है, कहानी को हर वक्त कंफ्यूजन बनाकर रखा गया है। जिस सोच के साथ फिल्म बनाई गई है उसे पर्दे पर उतारने में डायरेक्टर पूरी तरह से नाकामयाब साबित हुए हैं। फिल्म की म्यूजिक की बात करें तो ज़्यादातर गाने कान में चुभ सकते हैं। टाइगर श्रॉफ का डांस जरूर देखने लायक है। अगर आप वीकेंड पर कोई एक्शन पैकेट फिल्म देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इसके अलावा फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसे देखने लायक बनाता है। बच्चों को ज़रूर यह फिल्म पसंद आ सकती है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में टाइगर श्रॉफ की और कृति सेन की गणपत फिल्म की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में टाइगर श्रॉफ कृति सेन रीड रोल में है, अमिताभ बच्चन का कैमियो है, एली एवराम का गेस्ट अपीयरेंस है। फिल्म की लेंथ 2 घंटे 16 मिनट की है। फिल्म की कहानी के बारे में बात करें तो फिल्म की शुरुआत एक काल्पनिक दुनिया से होती है। एक तरफ अमीर लोग रहते हैं और दूसरी तरफ गरीब, उनके बीच एक दीवार है।
अमीरों ने एक वक्त पर गरीबों का शोषण किया होता है। गरीबों की बस्ती से निकला गुंडा टाइगर श्रॉफ अपने लोगों का बदला लेता है। गुंडा ही गणपत है और उसका लक्ष्य क्या है, पूरी फिल्म की स्टोरी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी का प्लॉट थोड़ा बहुत हॉलीवुड फिल्म से मिलता जुलता है, लेकिन इसे जिस तरह दिखाया जाना चाहिए उस तरह दिखाया नहीं गया है। कहा जा सकता है कि हॉलीवुड फिल्म की कॉपी करने की एक और नाकामयाब कोशिश है। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ और कृति सेन जैसे बड़े स्टार का टैलेंट वेस्ट हो गया है। इन दोनों से अच्छा काम लिया जा सकता था, इसके बावजूद टाइगर और कृति ने फिल्म में थोड़ा बहुत अपने कंधे पर फिल्म की कहानी संभालने का काम किया है। फिल्म में अमिताभ बच्चन का भी छोटा सा कैमियो है, हालांकि बिग बी के कंधे कद मुताबिक उनके रोल के साथ भी न्याय नहीं हुआ है। फिल्म का डायरेक्शन विकास बहल ने किया है, यह उनका अब तक का सबसे कमज़ोर काम है। डायरेक्शन में बहुत सारी खामियां है, कहानी को हर वक्त कंफ्यूजन बनाकर रखा गया है। जिस सोच के साथ फिल्म बनाई गई है उसे पर्दे पर उतारने में डायरेक्टर पूरी तरह से नाकामयाब साबित हुए हैं। फिल्म की म्यूजिक की बात करें तो ज़्यादातर गाने कान में चुभ सकते हैं। टाइगर श्रॉफ का डांस जरूर देखने लायक है। अगर आप वीकेंड पर कोई एक्शन पैकेट फिल्म देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इसके अलावा फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसे देखने लायक बनाता है। बच्चों को जरूर यह फिल्म पसंद आ सकती है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में टाइगर श्रॉफ की और कृति सेन की गणपत फिल्म की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में टाइगर श्रॉफ कृति सेन रीड रोल में है, अमिताभ बच्चन का कैमियो है, एली एवराम का गेस्ट अपीयरेंस है। फिल्म की लेंथ 2 घंटे 16 मिनट की है। फिल्म की कहानी के बारे में बात करें तो फिल्म की शुरुआत एक काल्पनिक दुनिया से होती है। एक तरफ अमीर लोग रहते हैं और दूसरी तरफ गरीब, उनके बीच एक दीवार है। अमीरों ने एक वक्त पर गरीबों का शोषण किया होता है। गरीबों की बस्ती से निकला गुंडा टाइगर श्रॉफ अपने लोगों का बदला लेता है। गुंडा ही गणपत है और उसका लक्ष्य क्या है, पूरी फिल्म की स्टोरी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी का प्लॉट थोड़ा बहुत हॉलीवुड फिल्म से मिलता जुलता है, लेकिन इसे जिस तरह दिखाया जाना चाहिए उस तरह दिखाया नहीं गया है। कहा जा सकता है कि हॉलीवुड फिल्म की कॉपी करने की एक और नाकामयाब कोशिश है। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ और कृति सेन जैसे बड़े स्टार का टैलेंट वेस्ट हो गया है। इन दोनों से अच्छा काम लिया जा सकता था, इसके बावजूद टाइगर और कृति ने फिल्म में थोड़ा बहुत अपने कंधे पर फिल्म की कहानी संभालने का काम किया है। फिल्म में अमिताभ बच्चन का भी छोटा सा कैमियो है, हालांकि बिग बी के कंधे कद मुताबिक उनके रोल के साथ भी न्याय नहीं हुआ है। फिल्म का डायरेक्शन विकास बहल ने किया है, यह उनका अब तक का सबसे कमज़ोर काम है। डायरेक्शन में बहुत सारी खामियां है, कहानी को हर वक्त कंफ्यूजन बनाकर रखा गया है। जिस सोच के साथ फिल्म बनाई गई है उसे पर्दे पर उतारने में डायरेक्टर पूरी तरह से नाकामयाब साबित हुए हैं। फिल्म की म्यूजिक की बात करें तो ज़्यादातर गाने कान में चुभ सकते हैं। टाइगर श्रॉफ का डांस जरूर देखने लायक है। अगर आप वीकेंड पर कोई एक्शन पैकेट फिल्म देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इसके अलावा फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसे देखने लायक बनाता है। बच्चों को जरूर यह फिल्म पसंद आ सकती है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में टाइगर श्रॉफ की और कृति सेन की
गणपत फिल्म की मैं रिव्यू देने वाली हूँ आज के वीडियो में। टाइगर श्रॉफ, कृति सेन रीड रोल में है, अमिताभ बच्चन का कैमियो है, एली एवराम का गेस्ट अपीयरेंस है। फिल्म की लेंथ 2 घंटे 16 मिनट की है। फिल्म की कहानी के बारे में बात करें तो फिल्म की शुरुआत एक काल्पनिक दुनिया से होती है। एक तरफ अमीर लोग रहते हैं और दूसरी तरफ गरीब, उनके बीच एक दीवार है। अमीरों ने एक वक्त पर गरीबों का शोषण किया होता है। गरीबों की बस्ती से निकला गुंडा टाइगर श्रॉफ अपने लोगों का बदला लेता है। गुंडा ही गणपत है और उसका लक्ष्य क्या है, पूरी फिल्म की स्टोरी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी का प्लॉट थोड़ा बहुत हॉलीवुड फिल्म से मिलता जुलता है, लेकिन इसे जिस तरह दिखाया जाना चाहिए उस तरह दिखाया नहीं गया है। कहा जा सकता है कि हॉलीवुड फिल्म की कॉपी करने की एक और नाकामयाब कोशिश है। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ और कृति सेन जैसे बड़े स्टार का टैलेंट वेस्ट हो गया है। इन दोनों से अच्छा काम लिया जा सकता था, इसके बावजूद टाइगर और कृति ने फिल्म में थोड़ा बहुत अपने कंधे पर फिल्म की कहानी संभालने का काम किया है। फिल्म में अमिताभ बच्चन का भी छोटा सा कैमियो है, हालांकि बिग बी के कंधे कद मुताबिक उनके रोल के साथ भी न्याय नहीं हुआ है। फिल्म का डायरेक्शन विकास बहल ने किया है, यह उनका अब तक का सबसे कमज़ोर काम है। डायरेक्शन में बहुत सारी खामियां है। कहानी को हर वक्त कंफ्यूजन बनाकर रखा गया है। जिस सोच के साथ फिल्म बनाई गई है उसे पर्दे पर उतारने में डायरेक्टर पूरी तरह से नाकामयाब साबित हुए हैं। फिल्म की म्यूजिक की बात करें तो ज़्यादातर गाने कान में चुभ सकते हैं। टाइगर श्रॉफ का डांस जरूर देखने लायक है। अगर आप वीकेंड पर कोई एक्शन पैकेट फिल्म देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इसके अलावा फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसे देखने लायक बनाता है। बच्चों को ज़रूर यह फिल्म पसंद आ सकती है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में टाइगर श्रॉफ की और कृति सेन की गणपत फिल्म की मैं रिव्यू देने वाली हूँ आज के वीडियो में। टाइगर श्रॉफ, कृति सेन रीड रोल में है, अमिताभ बच्चन का कैमियो है, एली एवराम का गेस्ट अपीयरेंस है। फिल्म की लेंथ 2 घंटे 16 मिनट की है। फिल्म की कहानी के बारे में बात करें तो फिल्म की शुरुआत एक काल्पनिक दुनिया से होती है। एक तरफ अमीर लोग रहते हैं और दूसरी तरफ गरीब, उनके बीच एक दीवार है। अमीरों ने एक वक्त पर गरीबों का शोषण किया होता है। गरीबों की बस्ती से निकला गुंडा टाइगर श्रॉफ अपने लोगों का बदला लेता है। गुंडा ही गणपत है और उसका लक्ष्य क्या है, पूरी फिल्म की स्टोरी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी का प्लॉट थोड़ा बहुत हॉलीवुड फिल्म से मिलता जुलता है, लेकिन इसे जिस तरह दिखाया जाना चाहिए उस तरह दिखाया नहीं गया है। कहा जा सकता है कि हॉलीवुड फिल्म की कॉपी करने की एक और नाकामयाब कोशिश है। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ और कृति सेन जैसे बड़े स्टार का टैलेंट वेस्ट हो गया है। इन दोनों से अच्छा काम लिया जा सकता था, इसके बावजूद टाइगर और कृति ने फिल्म में थोड़ा बहुत अपने कंधे पर फिल्म की कहानी संभालने का काम किया है। फिल्म में अमिताभ बच्चन का भी छोटा सा कैमियो है, हालांकि बिग बी के कंधे कद मुताबिक उनके रोल के साथ भी न्याय नहीं हुआ है। फिल्म का डायरेक्शन विकास बहल ने किया है, यह उनका अब तक का सबसे कमज़ोर काम है। डायरेक्शन में बहुत सारी खामियां है। कहानी को हर वक्त कंफ्यूजन बनाकर रखा गया है। जिस सोच के साथ फिल्म बनाई गई है उसे पर्दे पर उतारने में डायरेक्टर पूरी तरह से नाकामयाब साबित हुए हैं। फिल्म की म्यूजिक की बात करें तो ज़्यादातर गाने कान में चुभ सकते हैं। टाइगर श्रॉफ का डांस जरूर देखने लायक है।
अगर आप वीकेंड पर कोई एक्शन पैकेट फिल्म देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इसके अलावा फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो इसे देखने लायक बनाता है। बच्चों को ज़रूर यह फिल्म पसंद आ सकती है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में टाइगर श्रॉफ की और कृति सेन की गणपत फिल्म की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में टाइगर श्रॉफ, कृति सेन रीड रोल में है, अमिताभ बच्चन का कैमियो है, एली एवराम का गेस्ट अपीयरेंस है। फिल्म की लेंथ 2 घंटे 16 मिनट की है। फिल्म की कहानी के बारे में बात करें तो फिल्म की शुरुआत एक काल्पनिक दुनिया से होती है। एक तरफ अमीर लोग रहते हैं और दूसरी तरफ गरीब, उनके बीच एक दीवार है। अमीरों ने एक वक्त पर गरीबों का शोषण किया होता है। गरीबों की बस्ती से निकला गुंडा टाइगर श्रॉफ अपने लोगों का बदला लेता है। गुंडा ही गणपत है और उसका लक्ष्य क्या है, पूरी फिल्म की स्टोरी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी का प्लॉट थोड़ा बहुत हॉलीवुड फिल्म से मिलता जुलता है, लेकिन इसे जिस तरह दिखाया जाना चाहिए उस तरह दिखाया नहीं गया है। कहा जा सकता है कि हॉलीवुड फिल्म की कॉपी करने की एक और नाकामयाब कोशिश है। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ और कृति सेन जैसे बड़े स्टार का टैलेंट वे